हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी उतनी ही अच्छे से चल रही होगी। आज के हमारे इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम विषय विज्ञान से संबंधित एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में 2 अंकों वाले प्रश्न में अक्सर पूछे जाते हैं और यह आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, इसको आज के हमारे इस वीडियो में हम पूरी तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि गैस से भरे गुब्बारे को जब आग के पास ले जाया जाता है तो वह फूट क्यों जाता है। ओके, तो प्रश्न तो आप लोगों ने देख ही लिया है। प्रश्न क्या है? गैस से भरे गुब्बारे को जब आग के पास लाया जाता है या आग के समीप लाया जाता है तो वो फूट जाता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसको समझते हैं। इसका उत्तर आप लोगों को निम्न प्रकार से लिखना है। ठीक है, गैस से भरे गुब्बारे को जब आग के समीप लाया जाता है तब गुब्बारे के अंदर भरे गैस में आग के संपर्क में आने से ऊष्मीय प्रसार होने लगता है। ऊष्मीय प्रसार के कारण गुब्बारे के अंदर आयतन और दाब में वृद्धि होने लगती है, परिणाम स्वरूप गुब्बारा फूट जाता है। क्लियर है? आपको इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार से लिखना है। ओके, गैस से भरे गुब्बारे को जब आग के समीप लाया जाता है तब क्या होता है? गुब्बारे के अंदर जो गैस भरा होता है पहले से, उसमें ऊष्मीय प्रसार होने लगता है, यानी कि गुब्बारे के अंदर जो गैस भरा है, जो हवा भरी हुई है, वो गर्म होने लगता है। गर्म होने के कारण क्या होता है? उसका ऊष्मीय प्रसार होने लगता है और ऊष्मीय प्रसार जब होता है तो उस गुब्बारे के अंदर भरे हुए गैस के आयतन में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, जब गैस के आयतन में वृद्धि होने लगती है तो आयतन में वृद्धि के कारण उस गुब्बारे के अंदर जो दाब है उसमें भी वृद्धि होने लगती है। ओके, एक समय ऐसा आता है कि लगातार दाब में हो रही वृद्धि के कारण गुब्बारा जो है उस दाब को सहन नहीं कर पाता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है? गुब्बारा फूट जाता है। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को गैस से भरे गुब्बारे वाला यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्यों गैस से भरा गुब्बारा आग के समीप लाने पर फूट जाता है, ये आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। ओके, अब मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो उसमें आपके जो भी और डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक बलून मैंने बना दिया है, इसको मान लेते हैं एक बलून है। ठीक है, और इस बलून में क्या भरा हुआ है? तो आप देख सकते हैं इसमें गैस भरा हुआ है, ठीक है, या हवा भरा हुआ है। ठीक है, अब इस बलून को यदि मैं इस आग के समीप लेके जाऊँ, मान लेते हैं आग है, ठीक है, इसको यदि मैं बलून को आग के समीप लेके जाऊं तो क्या होगा? इस आग के संपर्क में आने के कारण इस बलून के अंदर जो गैस है, ये जो गैस आप देख रहे हैं, ये जो गैस है उसमें क्या होने लगेगा? ये गैस गर्म होने लगेगा। ये जो आग है आपका, इसके कारण से इस गैस में ऊष्मा का प्रसार होने लगेगा, जिसके कारण जो गैस है, जो हवा है, वो गर्म होने लगेगा। ठीक है, जब यह गैस गर्म होने लगेगा तो इस गैस के जो आयतन है उसमें क्या होगा? वृद्धि होने लगेगा। ठीक है, जैसे कि हमने उत्तर में देखा, आयतन में क्या होगा? तो आयतन में वृद्धि होने लगेगा। ठीक है, यानी ये जो हवा है वो फैलने लगेगा, इस तरीके से आगे जाने का या ऊपर जाने का कोशिश करेगा, आयतन में फैलाव आएगा। ओके, अब आयतन में जब फैलाव आएगा, आयतन जब बढ़ेगा तो इस गुब्बारे के अंदर क्या होगा? आपके दबाव में वृद्धि होगी, आपके दाब में वृद्धि होगी। ठीक है, तो दाब में जब वृद्धि होगी तो दाब प्रेशर कहाँ लगाएगा? बाहर की तरफ। ठीक है, दाब बढ़ेगा तो वो ये जो गैस है, ये जो हवा है, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये प्रेशर कहाँ लगाएगा? ये गुब्बारे के चारों तरफ लगाएगा। ओके, इस बात को आप समझिए, हवा में दाब बढ़ रहा है तो दाब बढ़ने के कारण प्रेशर जो है बाहर की तरफ वो बढ़ेगा। ओके, और एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे कि मैंने कहा, एक समय ऐसा आएगा कि प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, दाब इतना बढ़ जाएगा कि क्या हो जाएगा? गुब्बारा उस दाब को सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस दाब को सहन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण गुब्बारा फूट जाएगा। ठीक, तो हमने इसको समझा कि कोई गुब्बारा है, उसको यदि आग के पास ले जाया जाए तो वो फूट क्यों जाता है।
आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।